गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड कैसे ऐड करते हैं, किसी भी नोड को स्टार्टिंग में कैसे ऐड करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी नोड को मिडल में या फिर एंड में कैसे इंसर्ट किया जाएगा, उसका एल्गोरिदम हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि मिडल में कैसे ऐड होगी लिंक लिस्ट। सपोज वी हैव अ लिंक लिस्ट लाइक दिस, ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है फॉर एग्जांपल। अब मुझे इसमें क्या करना है, मिडल में, मिडल का मतलब होता है डिजायर्ड लोकेशन, आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि जैसे मेरे को कहाँ ऐड करना है कि 3 और 4 के बीच में मुझे नई नोड बनानी है। मैं जो भी नई नोड बना रहा हूँ मुझे कहाँ चाहिए, 11th के बाद में चाहिए। इट मीन्स मुझे जो है 4th पोजिशन पर नोड को इंसर्ट करना है। तो आपको इस एल्गोरिदम के हिसाब से ये बताना होगा कि किस वैल्यू के बाद में आपको नई नोड चाहिए। तो देखते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है PTR इक्वल्स टू न्यू नोड, इट मीन्स एक नई नोड बनेगी जिसको कौन पॉइंट कर रहा है, PTR, उसमें एक पॉइंटर रहेगा नेक्स्ट और जो भी आप वैल्यू डालोगे वो रहेगी। अब हम ये चेक करें इफ़ PTR इक्वल्स टू नल, इट मीन्स ये कंडीशन क्या चेक करिए कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो फुल हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। तो अभी हम फिलहाल ये मान रहे हैं कि अभी हमारे पास 5 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, तो अभी हमने 4 ही करे हैं, एक नई नोड हम और इंसर्ट करना चाहते हैं। तो PTR नल के बराबर नहीं है क्योंकि PTR को नई नोड का एड्रेस मिल चुका है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इस ब्लॉक में नहीं आएगा। नेक्स्ट रीड एन, एन का यूज लिया गया है द वैल्यू विच आफ्टर you want to insert. मतलब किस वैल्यू के बाद में आपको अपनी नई नोड बनानी है। तो मैंने यहाँ सपोज कर को मैंने वैल्यू दे दी 11th, मुझे 11th वाली नोड के बाद में नई नोड ऐड करनी है, इट मीन्स 4th पोजिशन पे नई नोड बनानी है मेरे को। तो कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर n की वैल्यू दे दी 11। मैंने आपको कल बताया था लिस्ट पॉइंटर क्या होता है, जो करंट नोड को पॉइंट करता है। तो लिस्ट, अभी लिस्ट को हमने कहाँ भेजा है, स्टार्ट नोड के पास, यानी पहली नोड के पास। तो यहाँ पर लिस्ट पॉइंटर भी है और स्टार्ट भी है। अब यहाँ पर ये भेजने की ज़रूरत क्यों हुई, हमने लिंक लिस्ट का एक डिसएडवांटेज पढ़ा था कि लिंक लिस्ट में हम बैकवर्ड नहीं आ सकते, हम केवल और केवल फॉरवर्ड ही ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमने एक और पॉइंटर लिया जिसको कहाँ भेजा हमने, स्टार्ट में, क्योंकि स्टार्ट पॉइंटर पहली नोड पे ही रहेगा, उसको हम आगे नहीं ले जा सकते। तो लिस्ट पॉइंटर को मैंने पॉइंट कराया, अब मैं इसको आगे आगे मूव करूँगा जब तक कि 11 ना आ जाए। जैसे ही 11 आएगा तो मेरी ये वाली नोड है वो इसके अंदर जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ेगी देखते हैं। व्हाइल लिस्ट का डेटा, डेटा मतलब जो वैल्यू है वो, नॉट इक्वल्स टू एन यानी 11th, यानी कि जब तक ये नोड नहीं आ जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा। लेट्स सी कैसे दिखेगा। व्हाइल लिस्ट का डेटा, लिस्ट कहाँ पर है, पहली नोड पे है, तो पहली नोड का डेटा क्या है, 9, 9 नॉट इक्वल्स टू 11, क्या 9 11 के बराबर नहीं है, नहीं है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो गई। ब्रैकेट में आएगा लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट का नेक्स्ट, तो लिस्ट अभी कहाँ है, पहली नोड पे है, इसको कहाँ ले जाना है, लिस्ट के नेक्स्ट के पास, यानी कि दूसरी नोड पे लेके जाना है। देखिए यहाँ पर हम चेक करवाएंगे कि हमारे पास 11th आया है या नहीं आया है, अगर आया है तब तो हम उसको वहीं पर ही रोक देंगे, नहीं आया है तो वो आगे आगे चलता रहेगा हर नोड पे। तो चेक आउट करो कि लिस्ट का डेटा नल एन के बराबर नहीं है, 9 11 के इक्वल नहीं है, नहीं है, तो ब्लॉक में आएगा और लिस्ट को कहाँ लेके जाना है, उससे अगली नोड पे। तो लिस्ट का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, तो लिस्ट अब यहाँ पे आ गया।
फिर वापस लूप चलेगा लिस्ट का डेटा, यानी कि इस बार लिस्ट कहाँ पे है, सेकंड नोड पे है, तो सेकंड नोड की वैल्यू क्या है, 3। तो 3 नॉट इक्वल्स टू 11, क्या 3 11 के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अंदर आएगा, फिर वापस लिस्ट को आगे लेके जाओ, लिस्ट का नेक्स्ट ये है, तो यहाँ से हटके वापस लिस्ट यहाँ पे आ गया। वापस लूप को चलाएं, क्या लिस्ट का डेटा इस बार क्या है 11th, क्या 11th 11th के बराबर नहीं है, 11th के बराबर है। देन आप यहीं पे स्टॉप हो जाओगे, इसके अंदर नहीं आएगा, अब ये लूप जो है वो फॉल्स हो चुका है। नेक्स्ट रीड आइटम, मैंने कोई न्यू वैल्यू मान ली जैसे 36, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, 36 आइटम में स्टोर है। अब इसको पहले तो आप इसके अंदर डालेंगे, फिर आपस में कनेक्टिविटी करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, देखो रीड का आइटम इक्वल्स टू 36, पीटीआर का डेटा इक्वल्स टू आइटम, तो आइटम की जो वैल्यू है वो पीटीआर के डेटा में स्टोर हो जाएगी 36। देन अब यहाँ पर हमने एक और पॉइंटर लिया है, टेम्प पॉइंटर क्यों लिया है, क्योंकि देखो जो नई नोड है उसको हम यहाँ से भी जोड़ेंगे, यानी इसको यहाँ से भी जोड़ना होगा और यहाँ से भी जोड़ना होगा। इस नोड को तो हम आराम से जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास पॉइंटर पड़ा है लिस्ट, लेकिन आगे वाली को हम कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ हमें कोई ना कोई टेम्परेली पॉइंटर लेना होगा, तो यहाँ मैंने एक पॉइंटर लिया है टेम्प। देखो टेम्प कहाँ जा रहा है, देखिए टेम्प इक्वल्स टू लिस्ट का नेक्स्ट, तो बताइए लिस्ट का नेक्स्ट यही है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, फोर्थ नोड को कर रहा है, तो यहाँ पर चला जाएगा टेम्प, यानी टेम्प के पास फोर्थ नोड का अभी एड्रेस है। नेक्स्ट देखिए लिस्ट का नेक्स्ट, लिस्ट का नेक्स्ट अभी फोर्थ को कर रहा है, लेकिन अब वो किसको करेगा, पीटीआर को, इट मींस ये कनेक्शन यहाँ हो जाएगा, यहाँ वाला कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, यानी कि जो थर्ड नोड है वो फोर्थ जो नई नोड है उससे कनेक्ट हो चुकी है। अब क्या करना है, इसको इससे करना है, तो हम क्या लिखेंगे, पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करें, टेम्प को करें, तो पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर का नेक्स्ट अभी फिलहाल किसी को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, वो किसको पॉइंट करेगा, टेम्प को, टेम्प मतलब चौथी नोड को, तो ये जो नेक्स्ट है वो यहाँ से ऐड हो गया, इसको पॉइंट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। इट मीन्स देखिए आप, हमने एक नई नोड बनाई पहले, उसमें वैल्यू डाल दी, फिर हमने क्या किया, एक लिस्ट पॉइंटर था उसको हमने स्टार्ट में भेजा, ताकि जो हमारी डिजायर्ड वैल्यू है वहाँ तक ये पहुँच सके। जैसे ही वो डिजायर्ड वैल्यू पे पहुँचा तो हमने लूप को टर्मिनेट कर लिया, फिर इससे अगली जो नोड थी उसके लिए हमने एक और टेम्परेरी पॉइंटर बनाया है, TEMP, फिर हमने लिस्ट के नेक्स्ट को PTR से जोड़ा और PTR के नेक्स्ट को टेम्प से जोड़ा, तो ये कनेक्टिविटी के लिए हमको लिखना होगा। तो ये होता है, देखिए आप मैंने लिस्ट को कहाँ जोड़ा, जहाँ मैं चाह रहा था, थर्ड के बाद में जुड़ गई और इससे आगे ये इससे कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बढ़ते हैं एंड में कैसे इंसर्ट करते हैं। हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी नोड को हम एंड में कैसे इंसर्ट करेंगे। तो एंड में इंसर्ट करना बहुत सिंपल है, आपको केवल लास्ट नोड तक पहुंचना है, और वो हम पहुंचने के लिए हमने लूप पढ़ा ही है। एक बार आप देख लेते हैं स्टेप वन, इसका मैकेनिज्म ये होगा कि आपको एक पॉइंटर आगे लेके आना होगा और एंड तक जाना होगा। एंड कब आएगा, जब आपका जो लास्ट पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे एल्गोरिथम में। सबसे पहले स्टेप वन, एक नई नोड बनेगा जिसका नाम होगा PTR। ये नई नोड बन गई, वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इसको अभी फिलहाल पॉइंट कर रहा है PTR। फिर हमने लिखा स्टेप टू वही, कि हम चेक कर रहे हैं कि ये कहीं फुल तो नहीं हो गया। अगर मान लीजिए 5 एलिमेंट है और 5ों के 5ों फिलअप हो चुके हैं, तो आप नया एलिमेंट नहीं डाल सकते। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 3 ही एलिमेंट है, तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, PTR लास्ट में होगा, तो ये नल को पॉइंट करेगा, तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वही रुक जाएगा, नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास कैपेसिटी 5 एलिमेंट्स की है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही, क्योंकि PTR के पास नई नोड आ चुकी है, PTR के पास नल नहीं है अभी तक।
फिर आप यहाँ देखिए लिस्ट इक्वल्स टू स्टार्ट, वही सेम कि एक पॉइंटर को तो आगे लेके आना होगा, तो यहाँ पर एक पॉइंटर हमने और डाल दिया लिस्ट। अब लिस्ट क्या करेगा, आगे आगे जाता रहेगा, कब तक, जब तक कि लास्ट नोड ना आ जाए, इट मींस नल पॉइंटर ना आ जाए। कैसे चेक करेंगे ये, इफ लिस्ट का नेक्स्ट, अब बताइए लिस्ट फर्स्ट नोड पे है, लिस्ट का जो भी नेक्स्ट है वो जब तक नल नहीं हो जाता, नल कब होगा, जब लास्ट नोड आएगी तभी नल होगा, अदरवाइज वो आगे बढ़ता रहेगा। तो चेक करें सबसे पहले लिस्ट का नेक्स्ट, ये लिस्ट इसका नेक्स्ट पॉइंट, क्या नल को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो अंदर आइए, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर लिस्ट को कहां लेके जाना है, लिस्ट के नेक्स्ट में, तो लिस्ट का नेक्स्ट यहां पे है, तो यहां से ये हटके कहां आ जाएगा, क्योंकि हमको फर्स्ट टाइम नल नहीं मिला, इसका मतलब आगे कोई ना कोई नोड है, इसलिए हम लिस्ट को आगे लेके आए। फिर वापस यहां पर आने के बाद रुक चलाए लिस्ट का नेक्स्ट, अब लिस्ट का नेक्स्ट क्या है, थर्ड को पॉइंट कर रहा है, क्या नल के बराबर नहीं है, बिल्कुल नल के बराबर नहीं है, क्योंकि इसके पास थर्ड का एड्रेस है, तो वापस अंदर आएगा और लिस्ट को यहां से भी आगे लेके जाएगा थर्ड नोड के पास। वापस चेक करें क्या लिस्ट का नेक्स्ट नल के बराबर नहीं है, लेकिन इस बार लिस्ट का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, नल को कर रहा है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, मतलब फॉल्स हो जाएगी और यहां पर इसके ब्लॉक में नहीं आएगा। नेक्स्ट आप चेक करें रीड आइटम, मुझे कोई भी वैल्यू डालनी है, जैसे मान लो 39 डाल दी, 39 है तो कुछ और डाल दीजिए 68, ये वैल्यू मेरे को इंसर्ट करनी है, तो कैसे करेंगे, पीटीआर का डेटा, तो ये रहा पीटीआर का डेटा इक्वल्स टू आइटम, तो 68 यहां स्टोर हो गया। नेक्स्ट पीटीआर का नेक्स्ट, अब हमको करना क्या है, इसको लास्ट नोड बनानी है, तो नल पॉइंटर ये होगा और इसकी कनेक्टिविटी इससे करवानी है, तो हम क्या लिखेंगे, पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो नल को करेगा, पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, तो ये नल को पॉइंट कर रहा है। अब इसको इससे जोड़ना है, तो लिस्ट का नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, पीटीआर को, तो ये नल की जगह अब किसको पॉइंट करेगा, पीटीआर को, ये कनेक्टिविटी हो गई और लास्ट में क्या हो जाएगा, स्टॉप। देखिए आप फर्स्ट में और एंड में इंसर्ट करना बहुत इजी होता है, एंड में आपको इंसर्ट करना है तो आप पॉइंटर को आगे लेके जाए तब तक जब तक ये नल नहीं आ जाता, क्योंकि जहां पे नल पॉइंटर आया वही हमारी लास्ट नोड होगी, कभी भी बीच में नल पॉइंटर नहीं आएगा, लास्ट नोड में ही पॉइंटर आएगा नल। फिर जो आपका एलिमेंट है उसका आप उस नोड में इंसर्ट करवा लें, और फिर कनेक्टिविटी करवानी है कि जो पहले लास्ट नोड थी जो नल को पॉइंट कर रही थी वो नई नोड को पॉइंट करेगा, और नई नोड का जो नेक्स्ट है जो फिलहाल किसी को पॉइंट नहीं कर रहा था वो नल को पॉइंट करेगा। तो इंसर्शन ऑपरेशन यहाँ पर खत्म हो जाता है लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट में तीन प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग, एट द एंड ऑफ लिस्ट, और एट डिजायर्ड पोजिशन या मिडल ऑफ द लिस्ट। तो इंसर्शन टॉपिक खत्म हो चुका है, कल हम पढ़ेंगे डिलीशन, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। किसी को भी डाउट है तो वो मुझे मैसेज में बता सकता है या कॉल करके भी पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब हम अगली क्लास कल से पढ़ेंगे, आपको ये नोट डाउन करना हो तो आप कर सकते हैं।